और अभी बना के दे दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा वहाँ। ये भी डालो तो बॉटम में शेप डाल दो, इसके भी डालो इसका शेप डाल दो, ठीक है। ये होगा तुम्हारे फ्रंट बैक का, इसको कर दो साइड में। हमारे स्लीव पे स्लीव में सारा तुम्हें स्लीव लेंथ दे रहा, तुम्हारी 24 दे रहा, ठीक है। 24 लेंथ डाली और मसल्स कितना दे रहा है, मसल दे रहा है 8, ठीक है, माइनस 8। ये तुम्हारे बाकी स्लीव के मेजरमेंट। अब तुमने इसको कैसे सेट करना है, अब यहाँ से देखते स्लीव ओपनिंग क्या दे रहा है। स्लीव ओपनिंग मिसाल के तौर पर दे रहा है 5 दे रहा है, 5 पे ये आ गया। यहाँ से लाकर तुमने यहाँ पर ये लाइन जोड़ी, ठीक है। अब इसके बाद इसको कर दो रिप्लेस, लाइन रिप्लेस करो यहाँ पर, पूरे लाइन, हाँ रिप्लेस लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या तुमने करने के बाद इसको लाइन को रिप्लेस करो, ठीक है। अब तुमने इसका शेप कैसे बनाना है, इसका शेप तुमने ऐसे बनाना है, यहाँ पे जो है इसकी मेजरमेंट देखें तुमने कितनी आ रही है आर्म होल की। अब आर्म होल की तुम्हारी मेजरमेंट आ रही है तुम्हें 10 इंच आ रही है, और देखो इसकी कितनी आ रही है, इसकी 8 इंच आ रही है, ठीक है। अब इसको 10 इंच करने के लिए तुम क्या करोगे, इसको पहले गिराओगे नीचे की तरफ अक्सर स्केच दिया हुआ होता है कि किस तरह का शेप चाहिए उसको, तो पैटर्न देखते हुए ना, स्केच देखते हुए